ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान की बहुत ही मेजर भूमिका है। किसी भी क्लाइंट की जब प्रॉब्लम को सुनते हैं तो सबसे पहले आपको नॉर्थ की डिग्रीज के लेने के बाद ब्रह्मस्थान का सही पिन पॉइंट लोकेट करना, ये किए बिना आप समस्याओं का निदान नहीं दे सकते। और ब्रह्मस्थान में उलझे हुए हैं कि ब्रह्मस्थान लोकेट कैसे करना है, बहुत सारे मेथड हैं। सिंपल, अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसे डायगनल्स लेके, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उन डायगनल के, वो ब्रह्मस्थान कहा जाता है। यदि कोई अनइवन शेप का जो प्लॉट है या कोई फ्लैट है, उसका ब्रह्मस्थान कैसे लोकेट करना है। दूसरा मेथड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि कोनों में से धागे लटका के उनके जो धागों के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वहां उन्हें कहा गया। और यदि आप इन दोनों या तीन तरीकों से भी रिजल्ट नहीं ले पा रहे, सेंटर एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पा रहे, तो उसका सबसे सरल उपाय है, कोई भी एक मैप को लीजिए, उस मैप को एक कार्डबोर्ड पे लगा दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, और एग्जैक्टली उस शेप में उस कार्डबोर्ड को काट देंगे। ठीक इसी तरह से ब्रह्मस्थान बैलेंस का है कि जहां आपकी नाभि शरीर के जिस हिस्से में, मध्य में नाभि आती है, तो ये ब्रह्म हो गई। फूल का जो सेंटर पार्ट है वो ब्रह्म हो गया। तो किसी धुंध में नहीं पड़ना कि इसको, ये इतना बड़ा है इसको काटूं, या इसको इतना है इसको एक्सटेंड करूं। बहुत ही सरल सा उपाय है, इस तरह से कार्डबोर्ड बनाएंगे, एग्जैक्टली जो भी डायमेंशंस है उसको काट के ठीक फिंगर टिप पे जिस स्थान पे ये बैलेंस हो जाए, एग्जैक्टली वो ब्रह्मस्थान है। इसे सुदर्शन क्रिया भी कहा गया। स्वयं विष्णु ही बैलेंस का तो प्रतीक है, तो उन्हीं की क्रिया को अपना लीजिए, एग्जैक्टली ये ब्रह्मस्थान है। और जैसे ही आप एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान को पिन पॉइंट करते हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं 100% जो सिम्टम्स हैं वो मैच होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पहला नियम यह है कि सिम्टम्स मैच करने बहुत जरूरी है, और यदि ब्रह्मस्थान सही नहीं है तो सिम्टम्स मैच नहीं।